गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकेंड SST की बुक निकाली ये वाली। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चे ये वाली बुक निकाले SST की। वेरी गुड, अब हम आगे लेसन पढ़ेंगे, उसे भी आप मेरे साथ निकालें। पेज नंबर 75, लेसन नंबर 15, एनिमल्स अराउंड अस। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो एनिमल्स होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ डोमेस्टिक एनिमल होते हैं जो घरों में पाले जाते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं जो घरों में रखे जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ होते हैं वाइल्ड एनिमल्स जो जंगलों में होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, जैसे लायन हुआ एंड टाइगर हुआ। और ये ख़तरनाक जानवर होते हैं जो कहाँ होते हैं, जंगलों में होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कहलाते हैं। और हमारे चारों तरफ मतलब सब जगह एनिमल्स होते हैं, जैसे इन द स्काई आसमान के अंदर उड़ती हैं बर्ड्स, ट्रीज पे होते हैं मंकीज, काउ होती है जो लैंड पे होती है, फिश होती है जो वाटर में होती है ना। इस तरह कई जानवर होते हैं हमारे चारों तरफ, जैसे लिजर्ड ऑन द वॉल, जो लिजर्ड होती है वो क्या करती है, वॉल पे दीवार पे चलती है। आंट्स होती है जो फ्लोर पे चलती है, फिश होती है जो वाटर के अंदर होती है। इसी सभी तरफ हमारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया गया था बिग एनिमल्स एंड स्मॉल एनिमल्स। स्मॉल एलिमेंट्स में आपने देखा था फिश थी, स्क्वायल थी, बर्ड्स थी, फ्रॉग, ये देखिए फ्रॉग था, लेडी बग थी, ठीक है। इसी ही बिग एनिमल्स में था कैट, डॉग, काउ, बफेलो, हॉर्स, ये सभी क्या थे, बिग एनिमल्स थे, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट वाले उस पर आते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे हम लोग घर बना के रहते हैं, वैसे ही जानवर भी, एनिमल्स भी क्या करते हैं, अपना होम बना के रहते हैं। जैसे आपने देखा है बर्ड्स को देखा है और बिहीव को देखा है, इनको देखा है, आप बिहीव को देखा कितनी मेहनत करती हैं, वो एक छत्ता बना के रहती हैं और उसमें कितनी ही वो होती हैं, क्या होती हैं, मधुमक्खियाँ होती है। इसी तरह आपने बर्ड्स को देखा होगा, वो एक ट्री पे एक नेस्ट बनाती है और नेस्ट में अपने एग देती है जिससे उनके चाइल्ड निकलते हैं और वो उनको बड़ा करती है पाल पोस के, मतलब दाना खिला के, है ना। और ऐसे ही रैबिट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बिल में रहते हैं, लेकिन जब हम उन्हें अपने पास रखते हैं, पालते हैं, तो हम उसको काई में रखते हैं, कुटिया में रखते हैं। देखिए आप बिहाइव, इसको देखिए आप, मधुमक्खियों को देखिए, ये कैसे, इनका घर कौन सा है, छत्ता है इनका घर, है ना। तो ये इसके अंदर रहती हैं और ये बहुत ज़्यादा होती हैं। ये जो बर्ड्स है देखो, ये आपने नेट्स, अपना घर, इनका घर नेस्ट होता है। डॉग है उनके लिए ये कैनल होता है और हॉर्स के लिए अस्तबल होता है। जैसे मंकीज का घर ट्री होता है और हैन का घर कॉप होता है। इसी तरह काऊ शेड में रहती है ना, वो स्क्वायर ट्रीज पे रहती है। इस तरह ये अलग अलग तरह के होम बना के रहते हैं, अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं, है ना। और मतलब एनिमल्स कई प्रकार के होते हैं, कुछ अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं और कुछ अलग अलग प्रकार से चलते हैं, कुछ तो चलते हैं और कुछ उड़ते हैं और कुछ रेंगते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार के एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स हमारे लिए कई प्रकार से यूजेस होते हैं, कई प्रकार से हम उसको यूज़ में लेते हैं। जैसे डोंकी होता है तो वो क्या करता है, हमारे सामान को, हमारे बोझा ढोने के काम आता है। हॉर्स जो होता है उस पर हम सवारी करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जो शिप होती है उसे हमें क्या मिलता है, ऊन मिलती है। और जो बफेलोज गोट्स होती हैं वो हमें क्या देती हैं, मिल्क देती है। और डॉग जो होता है हमारे घर का गार्ड होता है। और हॉर्स, बुलेट और बफेलोज जो ये हैं, ये क्या, गाड़ी खींचने के काम आते हैं, जैसे बैलगाड़ी होती है ना। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन जो एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, ना ही इनके घरों को तोड़ते हैं और ना ही इनको कुछ नुकसान पहुँचाते हैं। हम इनके लिए निर्दयी नहीं होते हैं, हम इनके लिए दयालु होते हैं
और इनका ख्याल रखते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, 77 पेज नंबर पे आ जाएं आप। राइट टी फॉर ट्रू एंड फॉर फॉल्स करेंगे हम। फर्स्ट है ऑल एनिमल्स आर ऑफ द सम काइंड, ये क्या आएगा, फॉल्स। सेकेंड है वी फाइंड एनिमल्स ऑन लैंड इन द स्काई एस वेल इन वाटर, तो यहाँ क्या आएगा, ट्रू। थ्री नंबर है ओनली ह्यूमंस मेक देयर होम्स फॉल्स। फोर है इट इज ऑल राइट टू ब्रेक द नेट्स ऑफ बर्ड्स, फॉल्स। फाइव है वी शुड डिजीज एनिमल्स, फॉल्स। अब हम करेंगे चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है एनिमल्स दैट लिव इन जंगल्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। सेकेंड है वी फाइंड एनिमल्स लाइक लिजर्ड ऑन द वॉल्स। अ रैबिट मेक्स अ ब्रो ऑफ इनसेल्फ। फोर है एनिमल्स लाइक कैम एंड डोंकीज कैरी, कैमल्स एंड डोंकीज कैरी आर लोड्स। फाइव है डॉग्स गार्ड आर होम्स। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। आंसर क्या है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स कैन बी बिग स्मॉल वाइल्ड और डोमेस्टिक। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वेयर डू वी फाइंड एनिमल्स। आंसर है वी फाइंड एनिमल्स एवरीवेयर, स्काई लैंड एंड ट्रीज। क्वेश्चन नंबर थ्री है वेयर डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स। आंसर है द बर्ड्स बाउज ऑन द ट्री। क्वेश्चन नंबर फोर है हाउ आर एनिमल्स यूजफुल टू अस। आंसर है एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज। अब बच्चों देखो, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखो, अच्छे से एक एक वर्ड को देखना है आपको और अच्छी अच्छी राइटिंग में अपनी नोटबुक में करना है इन क्वेश्चन आंसर को। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है ना। ध्यान से आपको एक एक मीनिंग देखते हुए आपको एक एक वर्ड्स को सही सही देख के और वर्क करना है, और आप अपनी बुक की भी हेल्प ले सकते हैं, है ना। और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है, ये ट्रू फॉल्स देखिए, ये है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये सब आपको कहाँ करना है, अपनी नोटबुक में करना है, सुंदर राइटिंग में, बिल्कुल सही सही। मैं आपकी नोटबुक चेक करूँगी और एक होमवर्क मैं आपको अपनी इसकी बुक में ही देती हूँ। ये जो होमवर्क है ये आपको खुद इसको जो मैच करना है एनिमल्स के होम को, तो ये मैच आप खुद करेंगे। ठीक है ना, ये मैच कौन करेगा, आप खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है और ये आपको बुक के अंदर करना है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू।